एमसी को कुछ और मत समझे, मेंटेनेंस कैलरीज है इसका मतलब। कैमरामैन भी हंस रहे हैं, कैमरामैन का दिमाग बहुत गंदा है मैं कहूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ लक्ष्य मकड़, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते ही हैं कि फैट लॉस सीरीज़ हमारी चल रही है। फैट लॉस सीरीज़ की एपिसोड नंबर 1 देखा, 2 देखा, अब 3 में हम क्या बात करेंगे। आप अपनी जो डाइट है उसको खुद कैसे बना सकते, आपको किसी भी डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके बाद आपको नॉलेज होएगी, आप खुद डाइट बना सकते हैं। मैं बनानी सिखाऊंगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिसोड नंबर 2 जिसने नहीं देखा, उसमें हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की थी। कैलरीज होती क्या है, मेंटेनेंस कैलरीज क्या होती हैं, BMR क्या होता है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकता है, लिंक मैं डाल रहा हूँ। किसी वजह से हमें डिलीट करनी पड़ गई थी वीडियो, हमने वापस अपलोड कर दी है, जाकर देख लो एक बार, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। तो हमने अपनी वीडियो को एपिसोड नंबर 2 को कहाँ पे छोड़ा था, हमने छोड़ा था इन टर्म्स के ऊपर, कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, होल फूड्स क्या होता है, काफ़ी डिटेल्ड बात करी थी। उस बात को वापस से कंटिन्यू नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि कैलोरिक डेफिसिट हम बनाते कैसे हैं। कैलरीज इन, जब हम बर्न ज़्यादा कर रहे हैं और इनटेक हमारा कम हो रहा है, तो ऐसे हम एक कैलोरिक डेफिसिट बनाते हैं। कैलोरिक डेफिसिट हम बनाते हैं अपने डाइट को अपने कैलोरिक बजट में रखते हुए, प्लस वर्कआउट से। वर्कआउट हमारा वेट ट्रेनिंग होता है, वो मैंने आप सबको बता दिया है कि किस हिसाब से बॉडी, 3 जो टर्म्स हैं, पीछे जाकर वीडियो को चेक कर लें कि कैसे हम बर्न करते हैं। मैं वापस से फिर से बोल रहा हूँ, किसी को नहीं ये समझ में आएगी वीडियो अगर किसी ने एपिसोड नंबर 2 नहीं देखा है। एपिसोड नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वापस से जाकर चेक कर लो। तो कैलरीज इन कैलरीज आउट से कम होनी चाहिए, आउट ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम एक कैलरिक डेफिसिट बना सकते हैं। तो अब ये नंबर कैसे निकलेगा, सबसे पहले जाननी पड़ेंगी हमें अपनी मेंटेनेंस कैलरीज। जी हाँ, मेंटेनेंस कैलरीज BMR भी होता है, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारी मेंटेनेंस कैलरीज होती है। मेंटेनेंस कैलरीज फॉर एग्जांपल, एक 80 किलो का आदमी है, अगर उसकी हमारी मेंटेनेंस कैलरीज 2000 हैं, अगर वो 2000 का इनटेक करेगा और कोई भी वर्कआउट या कोई भी एक्टिविटी वो नहीं करता है, तो वो मेंटेन रहेगा, ना उसका वजन कम होगा ना बढ़ेगा। अगर वो कुछ डेफिसिट क्रिएट करता है, कुछ उसमें वर्कआउट करता है या कुछ उसमें अपनी डाइट से डेफिसिट जाता है, ऐसे वो वजन अपना कम कर सकता है, या किसी को बढ़ाना है तो इससे ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो ऐसे हम अपना कैलरीज इन कैलरीज आउट का गेम प्लान करते हैं। तो मेंटेनेंस कैलरीज निकालने का, मेंटेनेंस कैलरीज, एमसी को कुछ और मत समझे, मेंटेनेंस कैलरीज है इसका मतलब। कैमरामैन भी हंस रहे हैं, कैमरामैन का दिमाग बहुत गंदा है मैं कहूँ। तो मेंटेनेंस कैलरीज निकालने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। अगर आपका बॉडी वेट है, जो भी आपका बॉडी वेट है, फॉर एग्जांपल 80 किलो है, उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप नॉन एक्टिव हैं तो उसको 13 से मल्टीप्लाई करें, अगर आप लेस एक्टिव हैं तो 14 से मल्टीप्लाई करें। अगर आप एक्टिव हैं, जैसे कि 5 से 6 बार आप वीकली वर्कआउट करते हैं और अपनी डाइट को ठीक से फॉलो कर रहे हैं, तो आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लेबर का काम करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सारा दिन खड़े हुए हैं, तो आप अपने उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बहुत सारे लोग मेरे ख्याल यहाँ पे लाइक करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 kg मल्टीप्लाई बाई 2.2, ये आ जाएगा हमारा पाउंड्स में वेट, पाउंड्स में वेट आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, दैट इज़ 2640 आपकी कैलरीज आ गई। इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, दैट इज़ इक्वल टू 1900 कैलरीज। तो ये आपका कैलरिक बजट निकाल दिया है मैंने। अगर आप 1900 कैलरीज का इनटेक करेंगे और आप वर्कआउट करते रहेंगे, आप 80 केजी के हैं, अपने वेट से मल्टीप्लाई कर लेना सब, अगर आप 1900 कैलरीज का इनटेक करते हैं, अपने कैलरिक बजट में रहेंगे, आपका ऑब्वियसली एक कैलरिक डेफिसिट क्रिएट कर लेंगे आप। तो ये 1900 कैलरीज आपको खानी कैसे हैं, क्या रहेगा आपके प्रोटीन का सोर्स, क्या रहेगा कार्ब्स का सोर्स, क्या रहेगा फैट्स का सोर्स, फर्दर हम ये कवर करने जा रहे हैं। तो हमने एक कैलरिक बजट सेट कर लिया 1900 कैलरीज का, शॉर्ट फॉर्म समझनी शुरू करें, CB है कैलरिक बजट, 1900 कैलरीज का। 80 केजी का इंसान है, अगर वो 1900 कैलरीज खाता है, 5 से 6 बार वर्कआउट करता है, तो वो वेट लॉस या फैट लॉस करेगा, बट उसको इनफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स देनी पड़ेंगी, कार्ब्स प्रोटीन एंड फैट्स। फर्दर हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, अगर याद होगा, कार्ब्स की पर 1 ग्राम वैल्यू होती है 4, प्रोटीन की 4, फैट्स की 9।
तो अगर 1900 में से सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन है मेन सोर्स आपका मसल बिल्ड करने के लिए, हमें चाहिए क्या, प्रोटीन। तो अगर 1.8 ग्राम्स पर बॉडी वेट आपका 80 किलो बॉडी वेट है, 80 केजी इंटू 1.8 ये नंबर निकलता है 144, अप्रोक्सीमेट नंबर जाइए 144, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 576 कैलोरीज प्रोटीन से लें, ठीक है। उसके बाद जो फैट सोर्स रहेगा वो 30-40% फैट सोर्स लेंगे आप, और कार्ब्स का आपका रिमेनिंग पोर्शन। तो ये आपको कैलकुलेट कर लेना है अपने हिसाब से, मैं सारी कैलकुलेशंस नहीं सिखाऊंगा। मैंने ये बता दिया 1900 कैलोरीज में से आपको प्रोटीन कितना लेना है, 1.8 ग्राम, जिससे आपका मसल बिल्ड होगा, ठीक है। तो 80 केजी को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आपकी प्रोटीन की कैलोरीज आ जाएंगी। 1900 में से 30-40% आप लेंगे फैट्स की रेशियो, और जो रिमेनिंग रेशियो आ रह जाएगी वो रह जाएगी कार्बोहाइड्रेट्स की रेशियो। तो ऐसे आपने कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स कैलकुलेट कर लिए। बट आप क्या कहते हैं लक्ष्य, ये होगी कैलकुलेशन की नंबर्स, हमें चाहिए फ्री डाइट प्लान। तो उसके लिए फर्दर आपको एक वीडियो और डिले करता हूं मैं, कि आपको मैं एक फ्री डाइट प्लान दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आप ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खा रहे हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज हैं, उसके बाद स्नैकिंग में एक बनाना खा रहे हैं तो कितनी कैलोरीज हैं। तो मैं आपको 144 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का 80 केजी के एग्जांपल के हिसाब से, जिसमें 1900 हमारा कैलोरिक बजट होगा, 1900 कैलोरीज बजट में मैं आपको एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन प्लान बनाकर दूंगा, जिसमें फ्री डाइट चार्ट होगा आपके लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्लान करूंगा। तो बने रहे मेरे साथ इस सीरीज में, अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन ग्रैब करें कितना कार्ब्स, कितना प्रोटीन और कितना फैट्स आपको लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे डाइट प्लान के ऊपर। डाइट प्लान में आपको मैं फुल डे ऑफ ईटिंग बताऊंगा कि ये 144 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन में आपने क्या खाना है, फैट्स में जो कैलरीज हैं वो क्या खाना है, कार्ब्स की जो कैलरीज हैं वो कितनी खानी है। तो ये कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स में आपको खाने सिखाऊंगा, और साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल रहता है, सैलड्स और वेजिटेबल्स, वो कैसे अपनी मील्स में प्लान करते हैं अगर एक इंसान को फैट लॉस करना है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको, यही फैट लॉस सीरीज़ है, इससे ज़्यादा एक वीडियो में मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन नहीं ग्रैब कर सकते। एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ, आपको जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली हैं। सी यू, गुड बाय, टेक